निर्भया केस को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चारों दोषियों को अलग अलग फांसी देने के मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और ऐसे में अलग अलग फांसी देने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र ने याचिका ये डाली है कि क्या जिन जिन की दया याचिका को खारिज किया जा चुका है उनको अलग से फांसी नहीं दी जा सकती। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सबको एक साथ ही फांसी दी जाए। नोटिस कर रहा था कि आपके पास जो भी राइट है उसका यूज कीजिए, अदरवाइज हम डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर करेंगे। बट ये लॉ का मिस यूज कर रहे थे, क्योंकि ये चाह रहे थे कि डिले टैक्टिक अगर हम यूज करेंगे तो टाइम ज़्यादा बढ़ता जाएगा, डिले हो जाएगा और फिर उसी डिले के ग्राउंड पर ये कम्यूट कराएंगे डेथ सेंटेंस को। तो इनका मैलाफाइड इंटेंशन था, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक टाइम बाउंड कर दिया 7 डेज, और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन आने वाली है, जो अदर और केसेज हैं उनमें वो फॉलो की जाएगी और देश के लिए एक अच्छा मैसेज होगा। मैंने पटियाला हाउस कोर्ट में जो याचिका दायर की है वो इसलिए की है क्योंकि पहले जो डेथ सेंटेंस पोस्टपोन हुआ था उस टाइम जो स्टेटस रिपोर्ट थी वो डिफरेंट थी, क्योंकि एक ही मर्सी पिटीशन पेंडिंग थी। बट आज की डेट में इनकी कहीं कोई पिटीशन पेंडिंग नहीं है, इसलिए एक फ्रेश डेट की हमने रिक्वायरमेंट मतलब पटियाला हाउस कोर्ट से प्रे किया है कि वो एक फ्रेश डेट फिक्स करें एग्जीक्यूशन की। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पटियाला हाउस कोर्ट में जेल प्रशासन की आज याचिका पर सुनवाई हुई, जहां पर हाईकोर्ट ने दोषी को 7 दिन में पूरे विकल्प कर लेने का समय यहां पर दिया गया है और फांसी की नई तारीख के लिए तिहाड़ पहुंचा था कोर्ट, और ऐसे में ये 7 दिन का वक्त जो है फिलहाल कोर्ट ने उन्हें दिया है कि जो भी तमाम विकल्प बचे हैं उनको पूरा कर लिया जाए। अमित दुबे फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी यहां पर जुड़ गए हैं। अमित, यानी कि इन 7 दिनों के भीतर जो भी याचिका यहां पर दाखिल करनी हो, जो बाकी 2 यहां पर बचे हुए हैं आरोपी, वो पूरे कर लें, उसके बाद एक नया जो डेथ वारंट है वो यहां पर जारी किया जाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, ये मामले की सुनवाई जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट में, जहाँ पे तिहाड़ प्रशासन के द्वारा तिहाड़ जेल प्रशासन द्वारा याचिका डाली गई, जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट से कहा गया है कि वो अगले डेथ वारंट के लिए तारीख जारी करें, क्योंकि पहले जो खासतौर पे 22 जनवरी या 1 फरवरी जो तारीख जारी हुई थी उनमें फांसी नहीं हो पाई। अब नई तारीख के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसपे सुनवाई होनी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, जिसमें कि हाई कोर्ट के डिसीजन को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने ये कहा था कि अगर एक केस में 4 आरोपी हैं तो चारों के एक साथ में ही सजा हो सकती है, और ऐसे में केंद्र सरकार की दलील ये थी कि जिन चारों को अलग अलग फांसी हो, तो इसे लेके हाई कोर्ट ने मना कर दिया था। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि चारों को एक साथ ही फांसी दी जा सकती है, तो इसे लेके केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। और सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ देर बाद लगभग 12:30 बजे सुनवाई होनी है। जस्टिस आर भानुमति की अगुवाई में 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। जी बिल्कुल। अभी तो यानी कि अब 7 दिन के भीतर ही जो तमाम विकल्प है वो यहाँ पर देखने होंगे, लेकिन क्या जो आरोपियों के वकील हैं उनका कुछ बयान इस पर सामने आया है अभी 7 दिन को लेकर जो वक्त दिया गया है? देखिए, जो वक्त दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, यानी पूरी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर नए सिरे से होगी, जहां पे सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता वो केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे, जबकि एपी सिंह जो है वो दोषियों का पक्ष रखेंगे, उनके साथ कई और वकील भी इसमें शामिल होंगे। तो जाहिर तौर पे जो दलीलें खासतौर पर हाईकोर्ट को सॉलिसिटर जनरल ने दी थी कि किस तरह से चारों आरोपियों को अलग अलग करके फांसी दी जा सकती है, तब तक फांसी नहीं हो सकती जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में कोई SLP ना पड़ी हो, और ऐसे में इन आरोपियों की सुप्रीम कोर्ट में कोई SLP नहीं है। और दूसरी चीज, अगर सुप्रीम कोर्ट में दया याचिका या क्यूरेटिव पिटीशन होती है तो भी मामले में फांसी दी जा सकती है। हालांकि इन सारी चीजों को हाई कोर्ट ने नकार दिया था। आज 12:30 बजे 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी, तो अब सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना है कि आखिर चारों आरोपियों को अलग अलग फांसी दी जा सकती है या नहीं। जी चलिए, धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।